जय श्री बाबूजी महाराज की जय। सभी से मेरा निवेदन है कि जो कोई भी व्यक्ति इस वीडियो को देखने के लिए आए तो तभी ही आए जब इस वीडियो पर जब उसके पास फ्री टाइम हो, क्योंकि हमारी इस वीडियो में श्री बाबूजी महाराज की संपूर्ण कथा का वर्णन भलीभांति से किया गया है। हमारे बाबूजी महाराज की इस कथा को बीच में ही अधूरी छोड़ कर ना जाए। आपके पास फ्री टाइम हो जब कभी भी ही, तो तुरंत वापिस इस कथा को तब सुने। इस कथा को संपूर्ण रूप से पूरी बाबूजी महाराज की कथा को जो कोई भी सुनेगा उसको संपूर्ण रूप से बाबूजी महाराज का आशीर्वाद स्वरूप कथा का प्रसाद प्राप्त करेगा। जय बाबूजी राठौर। राजस्थान की वीर भूमि वीरों का समुचित सम्मान करना जानती है। जिन वीरों ने प्राण मान मर्यादा के लिए, लोकहित के लिए, जन जीवन की रक्षा के लिए अपने तन मन का हंसते हंसते बलिदान कर दिया, उन वीरों में बाबूजी राठौड़ का नाम राजस्थानी जन जीवन में माला के सुमेरु की भांति महत्वपूर्ण बताए। कोलूगढ़ के राजा धांधल जी के दो पुत्र थे। बड़े का नाम बूढ़ो जी और छोटे पुत्र का नाम बाबूजी था। राजा धांधल जी के एक पोत्री भी थी जिसका नाम केलम दे था। राजा धांधल जी ने अपनी पोत्री के लिए विवाह के लिए बड़े चिंतित थे। बाबूजी और बूढ़ो जी दोनों भाई केलम दे के लिए योग्य वर की तलाश में थे। बाबूजी अपने चमत्कारों के लिए किशोरावस्था में ही प्रसिद्ध हो गए थे। उनकी वीरता और अदम्य साहस की कई कहानियाँ घर घर में प्रचलित थी। केलम दे का विवाह वे किसी समान कुल में करना चाहते थे। एक बार संयोग से ददरेवा के राजकुमार गोगा चौहान से उनकी भेंट हो गई। दोनों ने अपने अपने चमत्कार दिखलाए। दुर्भाग्य से चमत्कारों की इस होड़ में बाबूजी गोगा जी से हार गए। इस हार के परिणाम स्वरूप पूर्व निश्चित की गई गोगा की शर्त के अनुसार केलम दे का विवाह गोगा जी के साथ ही करना पड़ा था। राजा धांधल जी और बूढ़ो जी एक मत नहीं थे, लेकिन समय की गति को कौन टाल सकता है। केलम दे का विवाह गोगा चौहान के साथ धूमधाम से संपन्न हो गया। हीरे जवाहरात सोना चांदी हाथी घोड़ा पिंजस पालकी आदि दहेज में दिया गया। बाबूजी को अपनी भतीजी से अत्यधिक स्नेह था, इसलिए उन्होंने दहेज में कुछ ऊँट देने का भी वचन दिया। ऐसा कहा जाता है उस समय राजस्थान में ऊँटों का अत्यंत प्रभाव था। ऊँट रखना शान की बात समझी जाती थी। राजा लोग भी ऊँटों की सवारी के लिए तरसते थे। बाबूजी ने ऐसा असंभव वचन अपनी भतीजी को देकर अपने स्नेह का इजहार किया। केलम दे के ससुराल में ऊँट देने की बात का हल्ला उड़ गया। केलम दे की ननदो एवं सास ने जब देखा कि विवाह हुए इतने दिन बीत गए पर बाबूजी के अभी ऊँट नहीं आए, तो उन्होंने देखा कि यह तो सुख का वादा था। लगता है बाबूजी ने अपना नाम ऊंचा रखने के लिए जात बिरादरी के सामने ऊँटों को देने की बात कह दी होगी। ऊँट देना लोहे के चने चबाना जैसा था। ननद और सास केलम दे को ऊँटों के बहाने ताने मारने लगी। व्यंग्य से वे केलम दे को कहती, कुवारिनी जी, तुम्हारे ऊँट हमारे उपवन में लगे पुष्पों को तो न खा जाएंगे। कभी कहती, हमारे घोड़ों के बीच तुम्हारे यहाँ से पाए हुए ऊँट बहुत ही सुहाने लगते हैं। देखो न, ऊँटों की कतारें आ रही है। इस तरह के कथनों के साथ जब वे हंसती तो शब्द केलम दे की छाती के आर पार निकल जाते। आंचल में मुँह छिपा कर रोती रहती थी। अपने पियर वालों पर छोड़े गए व्यंग्य बाणों को सहन करने में जब वह असमर्थ हो गई, तो उसने अपने काका बाबूजी को एक पत्र लिखा जिसमें उसने ऊँटों के भेजने का वादा याद दिलाया। साथ ही साथ उसने सास ननंद के तीखे व्यंग्य प्रहारों को भी लिखकर काका को वस्तु स्थिति से अवगत कराया। जब पत्र वाहक कोलू मंड पहुँचा तो उस समय संध्या हो चली थी। तारे आकाश में दिखने लगे थे। पल पल अंधेरा बढ़ता जा रहा था। केलम दे के निर्देश के अनुसार हलकारा बिना कहीं विश्राम किए कोलूमंड जा पहुंचा। उसने तुरंत अपने आने का संदेश बाबूजी के पास भेजा। बाबूजी ने संदेश को अपने भाले के प्रकाश में पढ़ा। भाले की चमक और बाबूजी की आंखों से निकलती आग समान रूप से देखी जा सकती थी। बाबूजी की आंखों से अंगारे बरसने लगे। उन्होंने कुछ निश्चय करके अपने होठ काट लिए।
हाथ बरबस भाले की ओर बढ़े। केलम देख के पत्रों का विवरण पढ़कर वे व्याकुल हो गए। उन्हें अपने वचन को पूरा न करने के कारण बार बार अपने ही ऊपर क्रोध आने लगा। अपने बड़े भाई बूढ़ो जी की सलाह से तुरंत दरबार लगाया गया। अधीनस्थ सभी सरदार हथियारों से सुसज्जित होकर दरबार में उपस्थित हुए। बीड़ा डाला गया। बाबू जी ने बीड़े का आशय स्पष्ट करते हुए कहा कि जो कोई भी बीड़ा उठाएगा वह वीर ऊँटों का पता लगाएगा, उसे 21 गांव जागीर में दिए जाएंगे। सभा में सन्नाटा छा गया। ऊँट तो इंद्रासन प्राप्त करने से भी ज़्यादा मुश्किल था ये काम। ऐसे असंभव कार्य को करने का साहस किस में था, किसके दो सिर थे। बहुत देर तक चुप्पी के पश्चात हरमल जी राय का अपने स्थान से आगे बढ़ा और उसने बड़े साहस के साथ बीड़ा उठा लिया। बाबू जी ने हरमल जी की पीठ थपथपाई और कहा, तुम्हें जैसा घोड़ा चाहिए वैसा ले लो, जितना धन चाहिए उतना धन ले लो, तथा जितने आदमी मदद के लिए चाहिए उतने आदमी अपने साथ ले लो, और अब इस कार्य को पूरा करने के लिए शीघ्र ही प्रस्थान कर जाओ। सभी सरदारों ने उसे विदा किया। जब हरमल जी राय का अपनी माँ से विदा लेने आया तो माँ भाव विवहल हो गई। वह जानती थी कि हजार हजार कोस तक ऊँट का नामो निशान भी नहीं मिलेगा। केवल रावण की लंका ही एकमात्र ऐसा स्थान है जहां ऊँटों की भरमार है। समुद्र पार की ऐसी विकट धरती पर अपने को जाते देख वह फूट फूट कर रोने लगी। उसने अपने बेटे को वचन से मुकर जाने के लिए कहा, यदि हरमल जी राय का राजी हो जाता तो वह बाबू जी की धरती छोड़कर दूसरे राज्य में बस जाने को भी तैयार थी। किंतु हरमल जी राय की पत्नी अपने वीर पति पर वचन भंग का कलंक नहीं लगने देना चाहती थी। उसने आरती सजाई और अपने पति को कुमकुम का तिलक लगाया, माला पहनाई और बड़े हर्ष से उसको विदा किया। हरमल जी राय का अपनी माँ के मोह को भंग करना चाहता था। रोते रोते माँ ने उसे जाने की आज्ञा दे दी। उसने जोगी का वेश बनाया और अपनी माँ को छलना चाहा। माँ ने जब अपने पुत्र को साधु के वेश में देखा तो वह उसे पहचान गई और जोर जोर से रो रो कर कहने लगी, बेटा तू साधु होकर जा रहा है, मुझ बुढ़िया का क्या होगा, तेरी बहन सयानी हो चली है, उसके हाथ पीले कौन करेगा, उसके मंडप को कौन संभालेगा, कौन कन्यादान देगा उसका। हरमल जी राय का मोह मुक्त हो चला था, फिर भी क्षण भर को वह बहन के प्यार के कारण ठिठक गया। लेकिन उसी क्षण उसे अपनी प्रतिज्ञा याद हो आई। उसने अपनी माँ को आश्वस्त करते हुए कहा, माँ जब तक बूढ़ो जी और बाबू जी जैसे धनी है, चांदा और ढेमा जैसे मेरे मित्र है, तब तक तू किसी बात की चिंता न कर माँ। हरमल जी के हटके आगे माँ को झुकना पड़ा। हरमल जी राय का आवश्यक साज सामान तथा मोहरे लेकर लंका की ओर चल पड़ा। 3 विश्राम उसने दक्षिण की धरती पर किए, किंतु जिसने सिर पर कपन बांध रखा हो उसे चैन की नींद कहाँ। वह तो अगला सूरज ऊँटों के बीच उगाना चाहता था। दिन निकलने से पूर्व ही उसने घोड़े को एड लगाई। देखते देखते घोड़ा हवा से बातें करने लगा। वह समुद्र के किनारे पहुंच चुका था। समुद्र ऊंची ऊंची लहरों से खेल रहा था। ऐसा लगता था मानो आकाश से ठिठोली कर रहा हो। उसकी गर्जना दिल दहला रही थी। हरमल जी राय का थुपानी समुद्र को देख वहीं खड़ा हो गया। समुद्र को पार करना उसे असंभव दिखाई पड़ा। उसने अपने गुरु बालीनाथ का ध्यान लगाया। बालीनाथ ने अपने भक्त का संकट समझ तुरंत ही अपने योग बल से समुद्र पर सेतु बांध बना दिया। हरमल जी रायका ने घोड़े को एड लगाई। घोड़ा सेतु पार करता हुआ लंका जा पहुंचा। हरमल जी रायका ने अपने घोड़े को कहा, जिस दिशा में ऊँटों की गंध उठ रही है उसी ओर चल। अपने स्वामी के मन की बात जानने वाला वह स्वामी भक्त अश्व तक तक कर चूर हो गया था, किंतु स्वामी का प्रोत्साहन पाकर वह पुनः दौड़ने लगा। जंगल दर जंगल घूमने पर एक बीहड़ में उसने ऊँटों का झुंड चरते हुए देखा। उनके रखवाले पेड़ों के नीचे सो रहे थे और कुछ इधर उधर बैठे गपशप लगा रहे थे।
हरमल जी रायका ने वस्तु स्थिति को समझकर घोड़े को वृक्षों के बीच में बांध दिया और ऊँटों से थोड़ी दूर पर आग जलाकर तपने लगा। उसकी धुनी से उठने वाला धुआं जंगल में चारों ओर फैलने लगा। ऊँटों के रखवाले अचानक किसी साधु को आया देखकर भयभीत हो गए। वे हरमल जी रायका को सिद्ध साधु समझकर पूजने लगे, साधु के लिए दूध और फल इकट्ठा करने लगे। जब बहुत सारे लोगों ने हरमल जी रायका को दूध समर्पित किया तो वह चौकन्ना होकर उठ बैठा। न तुम्हारा दूध ग्रहण करूँगा न फल, इतना कहकर वह पुनः ध्यान में लीन हो जाते हैं। गांव के लोग विस्मय विमूढ़ होकर लौट पड़े। उन्होंने इस साधु के संबंध में सर्वत्र चर्चा फैला दी। चारों ओर चर्चा फैल गई कि साधु आया है। पंडितों की सभा में साधु के विषय में विचार हुआ। ज्योतिषियों ने अपना पतड़ा फैलाया और कहा वह व्यक्ति साधु नहीं है, वह तो कोलू मंड के चमत्कारिक पुरुष बाबूजी का सेवक है, हरमल जी राय का। साथ समंदर पार करके वह ऊँट चुराने के लिए आया है। जब चोरी का यह अद्भुत ढंग उन्होंने समझा तो वे लाठियों सहित साधु पर चढ़ बैठे। हरमल जी राय का गांव वालों की फौज को देखकर उनके मंतव्य को समझ गया था। वह भली भांति जानता था कि इस प्रदेश में वह अकेला है, इतने लोगों से युद्ध में पार नहीं पा सकेगा, युद्ध में जीत नहीं सकेगा। इसलिए उसने चमत्कार दिखलाने का निश्चय किया। फिर क्या था, गुरु बालीनाथ का स्मरण किया। जब गांव वाले अत्यंत समीप आ गए तो वह धूनी के जलते हुए अंगारों को अपनी झोली में रख कर चलने लगा। गांव वाले अपने आश्चर्य को न रोक सके। साधु के इस काम को देखकर उन्होंने अत्यंत श्रद्धा के साथ देखा, उनकी लाठियां झुक गई। अब तो वे उसके मार्ग में पलक पावड़े बिछाने लगे, स्वागत सत्कार करने लगे, उसके चरण पकड़कर अपने अपराध की क्षमा मांगने लगे। दूध और फल पुनः लाए गए। सबने हाथ जोड़कर साधु से निवेदन किया कि आप सिद्ध पुरुष हैं, कृपा कर हमारा दूध स्वीकार कीजिए। हरमल जी रायका ने खाली खप्पर आसन पर रख दिया और अपने इष्ट बालीनाथ का ध्यान लगाकर ध्यान करने लगे। गांव वाले दूध की हांडिया खप्पर में डालने लगे, लेकिन खप्पर ज्यों का त्यों खाली पड़ा रहा। इस करामात को देखकर खाली खप्पर बरता ही नहीं था। इस करामात को देखकर सभी लोग हैरत में पड़ गए। उन्होंने भयभीत कातर वाणी में गाँव की रक्षा के लिए बाबा से प्रार्थना की। हरमल जी रायका ने सबको संतोष बंधाया कि डरने की कोई बात नहीं है, मैं किसी का अनिष्ट नहीं करूंगा, तुम्हारे ऊँट भी मैं चुरा कर नहीं ले जाऊंगा, ऊँटों की कुछ मींगनियाँ ले आओ। लोग दौड़े और मींगनियाँ लाकर बाबा को भेंट की। बाबा ने सभी को आशीर्वाद दिया और अपने अपने घर लौटने को कहा कि सभी अपने अपने घर लौट जाए खुशी से। हरमल जी रायका ने अब अधिक विलंब करना उचित नहीं समझा। अपने कार्य की साक्षी के रूप में मींगनियों को झोली में डालकर वह कोलूमंड लौट आया। बाबूजी की सभा बैठी हुई थी। हरमल जी रायका ने ऊँटों का विस्तृत विवरण उस सभा में सुनाया। उसने कहा कि रावण की लंका में लक्षाधिक ऊँट है, यदि ऊँट प्राप्त करना है तो रावण की लंका के वहाँ के राजा से संघर्ष करना पड़ेगा। बाबूजी ने अपने वीरों को एकत्रित किया और लंका की ओर प्रयाण किया। उनकी सेना की हलचल से धरती खिसकती थी, जुझाऊ बाजों के नाद से आकाश फटा पड़ता था। मार्ग में जितने राजा लोग मिले सब भयभीत होकर बाबूजी की शरण में आ गए। बाबूजी महाराज ने सेना सहित सात समुंदर पार करके लंका में प्रवेश किया। बाबूजी की केसर घोड़ी युद्ध के लिए छटपटा रही थी। हरमल जी रायका ने ऊँटों के चारागाह तक पथ प्रदर्शन किया, वहाँ तक वह ले गए, रास्ता बताया। लाख लाख ऊँटों के झुंड इधर उधर चर रहे थे चारों ओर। बाबूजी की सेनाओं ने बाकी ऊँटों को घेर लिया। चरवाहे बाघ चुटे डर के मारे उन्होंने वहाँ के राजा के दरबार में जाकर फरियाद लगाई। वहाँ के राजा अपनी सेना सजा कर युद्ध स्थल पर उपस्थित हुआ। वहाँ के राजा की सेना को देखकर बाबूजी महाराज और बाबूजी की सेना विचलित नहीं हुई और उन्होंने वहाँ के राजा को ललकारा। उनकी आवाज़ दसों दिशाओं में गूंज उठी।
वहाँ के राजा को बाबूजी ने कहा, यदि अपना भला चाहते हो तो लौट जाओ, मैंने जिन ऊँटों को घेरा है उन्हें मैं हरगिज वापस करने वाला नहीं हूँ। भीषण संग्राम होने लगा, एक ओर वहाँ के राजा का अट्टहास, दूसरी ओर बाबूजी की सिंह गरजना युद्ध को और भी अधिक भयंकर बना रही थी। बाबूजी के दाएं बाएं चांदा और डेमा अपनी तलवारों का जौहर दिखलाने लगे। उन्होंने वहाँ के राजा की सेना को गाजर मूली की तरह उड़ा दिया। वहाँ के राजा को अपनी बची हुई सेना के साथ भागना पड़ा। विजय श्री का सेहरा बाबूजी महाराज को बंधा। बाबूजी ने घेरे हुए ऊँटों को लेकर कोलुमंड की ओर प्रस्थान किया। बाबूजी स्वयं ऊँटों को लेकर ददरेवा जाने के उतावले थे, अतः कोलुमंड पहुँचने के पूर्व ही उन्होंने अपना मार्ग बदल लिया। वे उतावले उतावले बढ़ रहे थे। उन्हें अपनी भतीजी केलमदे को दिए हुए वचनों को पूर्ण करने की आतुरता थी। मार्ग में सोडों का सूखा प्रदेश था। बाग बगीचे, कुआं बावड़ी, पेड़ पौधे सब सूख गए थे। उस भूमि पर बाबूजी के चरण पड़ते ही सूखा रेगिस्तान लहराने लगा। पौधों के फूल और वृक्षों के फल आ गए। बाबूजी के इस चमत्कार को वहाँ की राजकुमारी सोडी ने अनुभूत किया। वह टकटकी लगाकर घोड़ी पर चढ़े बाबूजी को निहारती रही, किंतु बाबूजी ने उस ओर से मुंह मोड़ लिया। वे उसी निष्प्रभाव से आगे बढ़ गए। ददरेवा पहुँचकर उन्होंने ऊँटों को केलम दे के अश्वशाला में भेज दिया। काका भतीजी का इसने मिलन हुआ। बाबूजी ने अपने वचन का निर्वाह कर अपने धर्म की रक्षा की। लोगों ने बाबूजी के वीरत्व की सराहना की। सभी के मुख पर बाबूजी का नाम था। केलम दे के हर्ष का कोई पारावार नहीं था। राजकुमारी सोडी पहली झलक में ही बाबूजी को अपना सर्वस्व दे चुकी थी। वह मनसा वाचा कर्मणा से उन्हें अपना पति वरण कर चुकी थी। उसने मन ही मन प्रतिज्ञा की कि यदि विवाह करना ही है तो बाबूजी के साथ ही करूंगी, अन्यथा जन्म भर कुंवारी रहकर जीवन व्यतीत करूंगी। वह सब सयानी हो चुकी थी। उसके पिता को भी सोडी के विवाह की चिंता सताने लगी थी। सोडी के पिताजी ने अपने कुल पंडित को बुलाया। राजकुमारी सोडी के लिए समान और सुयोग्य वर तलाश करने के लिए कहा उससे। जब पंडित की प्रस्थानगी का राजकुमारी को पता लगा तो उसने कुल पंडित को अपने पास बुलवाया। सोने की चौकी पर उसे बैठा कर सोडी ने उपहार से उसे प्रसन्न किया। पहले हाथ जोड़कर सोडी ने निवेदन किया, हे पंडित राज, मेरा निश्चय है कि मैं बाबूजी से ही अपना विवाह करूंगी, अन्यथा जन्म भर कुंवारी रहूंगी। इसलिए महाराज को समझा कर तुम सीधे कोलुमंड ही जाओ। पंडित ने कोलुमंड ही जाने का निश्चय किया। राजकुमारी के मन की बात को जान पंडित ने अपना काम और भी अधिक सरल पाया। पंडित कोलुमंड जा पहुंचा। दूर से ही बाबूजी का घवल महल, जिसके इर्द गिर्द हरे वृक्षों की कतारें खड़ी थी, दिखाई दिया। महल बाबूजी के सफ़ेद महल के झरोकों पर लाल लाल किवाड़ लगे थे। मुख्य द्वार चंदन से बने हुए थे। पंडित ने चंदन निर्मित दरवाजे से महल में प्रवेश किया। बाबूजी की सभा में बाकी सरदारों को देखकर बाबूजी के शौर्य को वह अंदर ही अंदर भांप गया। पंडित ने आशीर्वाद देकर अपने आने का प्रयोजन बताया। राजकुमारी सोडी के विवाह संबंध का स्वर्ण निर्मित नारियल तथा बहुत सी मोहरे बाबूजी को भेंट की। तिलक निकालकर पान का बीड़ा बाबूजी के मुंह में दिया। सभी लोग इस संबंध से प्रसन्न थे। पंडित जी ने विवाह की तिथि निश्चित आने वाली पूर्णिमा को पाणी ग्रहण संस्कार का मुहूर्त निकाला। पंडित बेसुमार उपहार लेकर अपने गांव लौट आया। दोनों और विवाह की बाबूजी द्वारा संबंध स्वीकार कर लिए जाने पर वह अत्यंत खुश थी। बाबूजी ने अपने सगे संबंधियों को विवाह के लिए आमंत्रित किया। जगह जगह पीले चावल भेजे गए। बाबूजी ने अपने प्रधान चांदा को कहा कि हनुमान जी, करणी जी के ये निमंत्रण भी भेजो। गोरखनाथ जी के यहाँ पीले चावल अपेक्षाकृत अधिक भेजो, ताकि वे अपनी समस्त जमात के साथ आवे। पितरों और सतियों के यहाँ निमंत्रण भेजो, ताकि वे रणबांके के विवाह में आवे। अपनी बहन को बुलाने के लिए रथ भेजा गया, किंतु बाबू ने अपने बहनोई जायल खींची के यहाँ जानबूझकर निमंत्रण नहीं भेजा। चांदा और डेमा जी ने बाबूजी महाराज को बहुत अधिक समझाया कि बहनोई पूज्य होता है,
विवाह में अनेक अवसरों पर बहनोई की आवश्यकता भी पड़ती है। उनके बिना बहुत से नेकचार अधूरे ही रह जाएंगे और फिर सेठ साहूकार लोग भी क्या कहेंगे। सर्वत्र इस बात की चर्चा बनती रहेगी जो अपनी प्रतिष्ठा के लिए खराब रहेगी। पर बाबूजी महाराज ने एक न सुनी, उन्होंने साफ कह दिया, जायल जिंद राज खींची की नजरों से मेरी नज़र नहीं मिल सकती। साफ कह देता हूँ, वह राठौड़ों की बारात नहीं चढ़ेगा। करो रह थे मोला चांदा बोले मन की बात, कोई जायल की नीज हूँ रे ये मारी निज ना मिल। चांदा बागेला थे माने भला मत मान, कोई नहीं तो छड़ेगो खींची राठौड़ारी जान में। विवाह से कुछ दिन पूर्व उनकी बहन रथ में बैठकर आ गई। उसने कलश बंधाया, घर द्वार सजाया, महल के कंगूरों पर बंधनवार लटकाई गई। बाबूजी की बारात के लिए हाथी घोड़ों रथों को सजाया गया। बाबूजी की सवारी के लिए उनकी अश्वशाला में उनके योग्य नवेली घोड़ी नहीं थी। दूल्हे के रूप में वे किसी नई केसर घोड़ी पर चढ़कर तोरण मारना चाहते थे। उनकी मन की इच्छा थी। उनके मित्र चांदा ने कहा, ऐसी केसर काल में घोड़ी है जो केवल देवल चारण के पास में है। बाबूजी ने यह सुन चांदा को चारणी के पास भेजा। चांदा ने चारणी को समस्त बातों से अवगत कराया, तुम इसके बदले हीरा पन्ना जवाहरात सोना चांदी जो चाहो ले लो। चारणी ने कहा कि मेरी घोड़ी मेरी गायों की रक्षा करती है मालिक, उसकी रखवाली से मुझे बड़ा सहारा मिलता है। यदि केसर काल में घोड़ी मेरे घर से चली जाएगी तो दुश्मन मेरी गायों को घेर कर ले जाएंगे, इसलिए मैं इस घोड़ी को देने में असमर्थ हूँ। चांदा ने उसे विश्वास दिलाया कि बाबूजी तेरी रक्षा करेंगे। गो ब्राह्मण की रक्षा करना तो उनका धर्म है। राठौड़ अपनी बात के पक्के होते हैं। चांदा से वचन पाकर चारणी ने बाबूजी के लिए घोड़ी दे दी। उसने कहा, ये घोड़ी हवा से तेज चलती है, ध्यान रखना, मन से भी ज़्यादा चंचल है। सोडो के घोड़े अपनी तेज चाल के लिए प्रसिद्ध है, किंतु वे इसे न जीत सकेंगे। इस विलक्षण घोड़ी को तुम ले जाओ, मेरी गायों की रक्षा की जिम्मेदारी अब बाबूजी महाराज पर रहेगी। बाबूजी को चारने की शर्त स्वीकार थी। घोड़ी देखकर बाबूजी बड़े प्रसन्न हुए। बाबूजी दूल्हे बने सूर्य की तरह चमकता हुआ मोर उन्होंने सिर पर धारण किया। केसर घोड़ी पर सवार होकर वे सोडो की राजधानी अमरकोट की ओर चलने लगे। घोड़ी की शोभा अपनी निराली ही थी। बाबूजी ने अपने चारण भाटों को दिल खोलकर नेक देने का आदेश दिया। मोहरों की थैलियां खुल गई, बहन बेटियों को संतुष्ट किया गया। चांदा ने आकर तब बाबूजी से निवेदन किया कि आपके दान पुण्य से सब लोग थक गए हैं, केवल देवल चारणी नेग लेने से इनकार करती है और खड़ी खड़ी आंसू बहा रही है, न किसी से कुछ कहती है और न किसी की सुनती है। ये सुनकर बाबूजी स्वयं चारणी के पास आए। उन्होंने बड़े आदर के साथ देवल चारणी से कहा, बारट रानी, इस मांगलिक बेला में तुम रो रो कर क्यों अपशकुन कर रही हो? तुम्हें जो चाहिए कहो, यदि नेग में कमी है तो अभी भी खजाना खुला हुआ है। देवल चारणी ने बाबूजी के इन वचनों को सुनकर कहा, हे बाबूजी महाराज, आप सोडो की अमरकोट जा रहे हो, अपने साथ सभी सरदारों को, वीरों को, योद्धाओं को बारात में ले जा रहे हो, पीछे से मेरी गायों की रक्षा कौन करेगा? उनकी रक्षा कौन करेगा? बाबूजी ने चारणी से कहा, मेरे भाइयों और सरदारों के बिना बारात फीकी लगेगी। मेरे आने तक सूर्य भगवान प्रजा की और गढ़ की रक्षा करेंगे। भारत रानी माया बिन या फीकी लागे जान, कोई भाया बिन कुण रालो यो बाबूजी री पीठ पर। चारण रानी कोट रुखाड़ो छोड़ियो श्री भगवान, कोई संस्किरण छोड़ियो ये मैं रुखाड़ो सूरज देवता। चारणी को इस उत्तर से संतोष नहीं हुआ। उसने डेमा और चांदा जी को पीछे छोड़ने के लिए बाबूजी महाराज से मनवार लगाई, किंतु बाबूजी महाराज के लिए डेमा और चांदा बाएं दाएं हाथ की तरह थे, इसलिए उन्हें कैसे छोड़ा जा सकता था। चारणी को बाबूजी ने विश्वास दिलाया कि मेरे बड़े भाई बूढ़ू जी तुम्हारी रक्षार्थ गढ़ में ही रहेंगे। हे देवल रानी, हम 3-4 दिन में ही अमरकोट से लौट आएंगे। यदि इस बीच जायल खींची तुम्हारी गायों को घेर ले तो मुझे अमरकोट खबर पहुंचा देना। जो ही मेरे कान में खबर पड़ेगी मैं कैसर काल में घोड़ी पर जिन कस कर दौड़ पड़ूंगा।
अगर रोटी खाता हुआ भी होऊंगा तो चुल्लू तुम्हारे ही मकान पर पाकर करूंगा। हे देवल, ये मेरा पक्का प्रण समझना, ये मेरा वचन है। राठौड़ के प्रण कभी झूठे नहीं होते। आवश्यकता पड़ने पर हे देवल भवानी, बीच चौरी से भी उठकर चला आऊँगा और आकर तुम्हारी गायों की रक्षा करूँगा। देवल ने बाबूजी की शर्त पर नेग लिया और उन्हें विदा किया। बाबूजी की बारात चल पड़ी। डेमा और चांदा बाबूजी के आगे पीछे घोड़े नचाते चल रहे थे। सूर्योदय हुआ। अचानक से काले नाग ने मार्ग रोक लिया। काले नाग को देखकर बारात डर गई। चांदा डेमा ने अपनी तलवारें खींच ली। पीछे से बाबूजी आए। वस्तु स्थिति को देखकर उन्होंने कहा, हे डेमा, सर्प को पाताल नगरी का नाग कहा जाता है और हम भूमिपति होते हैं, इसलिए इस काले नाग को दाहिना लेकर बारात को आगे बढ़ाओ। बाबूजी के आदेश पर बारात आगे बढ़ी। थोड़ी दूर आगे बढ़ने पर पर्वत की चोटी पर से 9 हत्ती सिंघनी उतरी। बाबूजी को सिंघनी द्वारा रास्ता रोकना अपशकुन दिखलाई दिया। डेमा जी की सलाह से शकुन शास्त्री सल्ले को बुलाया। सल्ले ने शकुन देखकर कहा, यदि शकुन को स्वीकार करते हो तो बाबूजी बारात वापस मोड़ दो और सोडी के साथ विवाह करने के लिए हाथ का खांडा भेज दो। किंतु बाबूजी ने पाणी ग्रहण प्रथा के महत्व पर ही जोर दिया और कहा कि मैं सिंघनी का पुत्र होकर ऐसे ही किसी अपशकुन से डर कर हिंदू रीति रिवाज को नहीं छोड़ूंगा। राठौड़ों के मुंह पर कलंक नहीं लगाऊंगा। अपनी माता कुलबादे का दूध नहीं ले जाऊंगा। मेरी प्रतीक्षा में सोडी नववधी बनी है। विवाह की घड़ियां गिन रही है वहां पर। यदि मैं मार्ग से वापस मुड़ जाऊंगा तो वह मुझे कायर गीदड़ समझेगी। उसकी सहेलियां उसे तानों से बहन देंगी। दुनिया सब प्रकार की मर्यादा मानने से रह जाएगी और संसार में बाबूजी महाराज के नाम की दुआई लगती है वह आगे से बंद हो जाएगी। इस धरती पर मेरे गीत फिर नहीं चलेंगे और युग युग में मेरा यश नहीं गाया जाएगा। इसलिए जब तक मेरे शरीर पर सिर है, मुझसे संसार में ऐसी कायरता न हो सकेगी। इस पर डेमाजी सिंघनी का सफाया कर देने को तैयार हुआ। किंतु डेमाजी को बाबूजी महाराज ने सिंघनी पर शस्त्र प्रहार करने से रोक दिया और कहा कि हम क्षत्रिय सिंह हैं, नारी पर शस्त्र प्रहार नहीं करेंगे। डेमाजी ने सिंघनी को ललकार कर वापिस मोड़ना चाहा। तभी सिंघनी झपट कर डेमाजी पर टूट पड़ी। डेमाजी ने उसके प्रहार को अपने ढाल पर रोक कर ऐसा प्रहार किया, सिंघनी वहां से भाग छुटी। बाबूजी केसर काल में घोड़ी पर बैठ बारात के साथ आगे बढ़े। उमरकोट थोड़ी दूर पर ही था। उमरकोट के ऊंचे ऊंचे सफ़ेद भवन नज़दीक दिख रहे थे। कांकड़ में राठौड़ों की बारात की अगवानी करने के लिए बहुत से उमरकोट के लोग एकत्रित हो गए। वहां पर अत्यधिक भीड़ एकत्रित हो गई। माडा और बारात के लोगों का राम जुहार हुआ। डेमा जी को हरी डाली के साथ किले में भेजा गया। उसके भारी भरकम शरीर और शक्ति को पहचान कर लोग भयभीत होने लगे। सहेलियों ने गीत गाए। सोडो के नाई ने डेमा को अफीम के भंडार में ले जाकर खड़ा कर दिया, क्योंकि अमल की मामूली मनवार से तो उसकी जीभ को कुछ पता ही न लगा। देखते देखते डेमा जी ने अफीम के भंडार को पूरा चट कर दिया। वहां पड़े हुए पोस्त के छिलके तक भी डेमा जी ने नहीं छोड़े। लोगों के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। सभी अवाक से डेमा जी की ओर देखते रह गए। लोग दांतों तले अंगुलियां दबाने लगे। अफीम से मस्त डेमा जी को भोजन कराया गया। भोजन क्या, वो तो उसे कलेवा ही बता रहा था, इसलिए उसे भोजन के भंडार में ले गए। अब क्या था, भंडार का समस्त माल डेमा जी के पेट में चला गया। फिर भी डेमा चुल्लू नहीं करना चाहता था। रसोई साफ हो गई, सोडो की कलई खुल गई। डेमा जी जैसे बारात में कितने और होंगे क्या कहा जा सकता है। नाई ने डेमा जी को कहा, जो पकाया था वो तो आप ख़त्म कर गए, अब और क्या दें। डेमा जी ने बड़ी लापरवाही से कहा, अभी तो सच पूछो तो कलेवा भी नहीं हुआ है। सोडो में खलबली मच गई। जिस कन्या के विवाह के शुरू में ही सोडो की हट्टी होने लगी। डेमा ने जलती में घी डाला, कहने लगा, अभी हुआ ही क्या है, बारातियों में सबसे कम खाने वाला मैं ही हूँ। पेटू डेमा की बात सुनकर सभी हंसी से लोटपोट हो गए। बाबूजी की बारात सोडी जी के बाग में ठहराई गई और बाकी बारात सफ़ेद तंबुओं में उतरी। बाबूजी की केसर काल में घोड़ी को देखकर लोगों में बातचीत होने लगी और उसके बारे में सराहना होने लगी। उनके साले केसर घोड़ी के साथ अपने घोड़े को दौड़ाना चाहते थे, उनके मन की इच्छा थी। परंतु बाबूजी ने अपनी घोड़ी को थकी जान आना कहानी की। तब सोडो ने कहा, बहनोई जी, आपकी घोड़ी थक गई है तो हमारे 9 लाख वाले मूल्य वाले घोड़े पर सवारी कीजिए आप।
बाबूजी ने तत्काल उत्तर देते हुए कहा, आपके घोड़े पर तो राव उमराव ही चढ़ेंगे, मैं तो मेरी केसर काल में घोड़ी पर ही सवारी करूँगा। सोडो को कुछ ताव हो पाया। उन्होंने शर्त रखी कि जिसकी घोड़ी हार जाए वह अपनी घोड़ी चारण भाट को बख्शिश में दे देगा। बाबूजी महाराज ने यह शर्त स्वीकार की। साले बहनोई हाथ में हाथ डाले घोड़े पर चढ़े, घोड़ों की दौड़ हुई। केसर कालमी ने सबको दूल चटा दी। सोडो के टट्टू चारणों को दे दिए गए। संध्या का समय निकट था, तोरण पर जाने का वक्त हो गया था। बाबूजी को सोने का सेहरा बांधकर 1.25 लाख की कलंगी लगाकर दूल्हा बनाया गया। गाजे बाजों के साथ कालमी घोड़ी पर चढ़कर बाबूजी समेला के लिए चल पड़े। घोड़ी नाचती जा रही थी, धिंगण धिंगण विवाह के ढोल बज रहे थे। घोड़ी का रिमझिम नृत्य सभी को सुहाना लग रहा था। हरे लाल रेशम की जाजिम बिछी हुई थी, चौक पूरे हुए थे, समेले में बड़ा रंग जमा हुआ है। राठौड़ और सोडो के ठाट बाट हो रहे हैं। पंडित के लड़के ने देवताओं की पूजा की, सूरजमल सोडे ने बाबूजी के तिलक किया, तोरण मारने की तैयारी हुई। बाबूजी तोरण मारने के लिए यथा स्थान गए। उन्होंने देखा तोरण गगन चुंबी गढ़ के कंगूरों पर बंधा हुआ है। बाबूजी ने घोड़ी को थपथपाया, उसे समझाया, उसे पुचकार कर लाड प्यार करते हुए कहा, हे केसर कालमी घोड़ी, तू छलांगों में जीत गई तो तेरे खुरों में मेहंदी लगवाऊंगा मैं, पाँव में रत्न जड़ित घुंघरू बंधवाऊंगा मैं, माला डलवाऊंगा मैं, गले में सोने की माला भी पहनाऊंगा मैं, और चमकता हुआ सेहरा मस्तक पर तेरे लगाऊंगा मैं। इसलिए है घोड़ी, राठौड़ों की प्रतिष्ठा को बनाए रखना, और यदि गई तो चारण भाटों को बक्स में दे दूंगा। तभी घोड़ी ने कहा, हे बाबूजी महाराज, तू यदि मेरी पीठ पर थाप मारे तो मैं चंद्रमा और सूर्य के कंगूरों पर स्थित तोरण को भी मरवा दूंगी। ये बाबू मेरी पीठ पर भली प्रकार से जमे रहना। बाबूजी महाराज ने नृत्य करती हुई घोड़ी की पीठ ठोकी। थाप लगते ही केसर काल में उछल पड़ी और उछलती हुई उसने सोडो के गढ़ की दीवार को गिरा दिया और गगन चुंबी गढ़ के कंगूरों पर अपने चिन्ह अंकित कर दिए। केसर कालमी ने कहा, हे बाबूजी, आपको तोरण मारने का चाव था, आप जी भरकर तोरणांकित चिड़ियों को गिन गिन कर मार लीजिए। केसर कालमी ने अच्छे प्रकार तोरण मरवा दिया। चांदा डेमा जी ने यह देख अपनी मूंछों पर ताव लगाना स्टार्ट किया। सभी बाग बाग हो गए। बाबूजी महाराज के इस कार्य से सूरजमल सोडी जी की छाती फूल गई। चांद डाम फेरिया छ बो मूछा ऊपर हाथ, कोई बाग बाग हो गया छेरे राठोड़े कुलराम मानवी, नीचा तो झुकया रे रिसालू सोडा शीश, कोई बाबू पेरे कार जेरे सोडी की छाती फूलगी। बाबूजी महाराज की सास ने आरती की और ते आरती में दही चढ़ाने लगी। सोडो के घर की नाटिया बाबूजी के बदन को मापने लगी। तभी बाबूजी ने कहा, मेरे बदन का माप न कीजिए, हम धरा के यति हैं, यतियों के मत की मान मर्यादा रखते हैं, किसी नारी के अंचल से हमारे वस्त्र का स्पर्श नहीं होता। सास ने यह सुनकर उनके चेहरे पर चावल बिखेर दिए। तोरण का नेक संपन्न हुआ। विवाह मंडप के उपकरण जुटाए जाने लगे। गोधूली का लगन था। जोशी ने वेदी पर कलश स्थापना की। गणपति का पूजन भी हुआ। सोडो की कन्या सात सहेलियों के साथ बाबूजी महाराज के दाहिने अंग में विराजी। सूरजमल सोडो का परिवार हाथ जोड़े खड़ा था। कन्यादान के साथ राजा ने 9 मन स्वर्ण देने का संकल्प किया। सोडी की माँ ने 1.25 मन सोना दान में दिया। भाई बावज ने अन्न धन का दान दिया। काका ताऊ ने बहुत सी मोहरे दान भी दी। गायें भी दान में दी गई। सभी लोग कन्यादान की सराहना करने लगे। आज सोडो के घर आनंद बरस रहा है। बाबूजी राठौड़ उनके यहाँ आकर चौरी चढ़े हैं। पंडित ने पाणी ग्रहण करवाया। बाबूजी पीछे और सोडो की लाडली कन्या आगे हुई। पहले फेरे में वर वधु के हृदय मिलकर एक हो गए। दूसरे फेरे में वर वधु दोनों के प्राण मिलकर एकाकार हो गए। राठौड़ों और सोडो का संबंध घुल मिलकर एक सा हो गया। पहले फेरे जुड़ गया छ बनड़े बनड़ी का जीव, कोई सोडा पर राठौड़ा का वे बाला सगपन जुड़ गया। दूजे फेरे दूध निर जू मिला दोए नड़ा जीव, कोई सोडा पर राठौड़ा का वे गाढ़ा सगपन घुड़ गया। इधर अचानक ही केसर घोड़ी हिन हिन आई, तो उसने अपने फोला दी पाद बंधनों को तोड़ डाला। बाबूजी महाराज ने चांदा को भेजा तुरंत कि तुम जाकर केसर कालमी को आश्वस्त करो, उसने ये उत्पात क्यों मचा रखा है। चांदा जी ने केसर कालमी से कहा, बाबूजी महाराज ने 2 फेरे ले लिए, 2 और बाकी हैं, तू रंग में भंग न कर घोड़ी।
यदि बाबूजी महाराज तुम्हारी दूसरी हिनहिनाहट सुन लेंगे तो वचनबद्ध वह चंवर को अध बीच छोड़कर उठ पड़ेगा। हे केसर कालमी, विघ्न न डालो फेरों में, सोडो की स्त्रियां मुझे गालियां देंगी। इस पर केसर कालमी कहने लगी, हे चांदा, जिन गायों का मीठा दूध मैंने पिया था उन्हीं को जाल खींची घेर कर ले जा रहा है। मैं कड़कड़ दांत चबा रही हूँ। हे चांदा, मेरी मन की बात सुनिए। देखो, ये देवल भवानी चली आ रही है। उसने सोडो के दरवाजे पाकर करुण पुकार मचाई है कि बाबूजी महाराज, आप तो सोडी जी से पानी ग्रहण करके रिझे हैं और उधर खींची मेरी गायों से रिझा है। अब तुम ही बताओ, वह देवल भवानी यहाँ किस कारण आई है। चांदा वेदी के पास गया और कहने लगा, क्या बात सुनाऊं, खींची देवल चारणी की गायें घेर कर ले गया है। इतना सुनते ही बाबूजी महाराज ने अपने चोगे की ढोरी झड़काई, पानी ग्रहण छोड़ दिया और फेरों के बीच ही उठ खड़े हुए। उठते ही बाबूजी महाराज का सोडी ने अंचल पकड़ लिया। वह कहने लगी, हे बाबू, मेरे पिता ने कौन सा अपराध किया था? मेरी जन्मदात्री माता का क्या कसूर था? मुझ में कौन सा खोट तुम्हें दिखलाई दिया? बाबूजी ने कहा, हे सोडी जी, न तो कोई तुम्हारे पिता ने ही अपराध किया है और न तुम्हारी जननी से ही अपराध हुआ है। हे सोडी जी, आप में कोई दोष है ही नहीं। इस पर सोडी जी ने कहा, बीच चंवर फिर आप क्यों उठे हो? मैं आदि कुंवारी और आदि विवाहित रह गई। बाबू जी इस पर कहने लगे, हे सोडी जी, खास अपराध तो मेरा है। वचनबद्ध होने के कारण मैं तीसरे फेरे में ही उठकर जा रहा हूँ। जिस प्रकार मर्दों का पिता एक ही होता है, उसी प्रकार उनका वचन भी एक ही होता है। फेरों की अपेक्षा धर्म को बड़ा कहा गया है। ये धरती और आकाश वचनों से बंधे अपना कार्य कर रहे हैं। पवन, पानी, सूर्य और चांद भी वचनों से परे हैं। वचनों से बढ़कर इस संसार में दूसरा कोई नहीं है। सोडी देवल चारणी मेरे समीप बसती है, खींची उसके पीछे पड़ा है। जब बारात चढ़ रही थी, देवल चारणी ने गायों की रक्षार्थ डेमा जी को मांगा था, लेकिन मैं डेमा जी को ले आया और उसे सत्य वचन देकर आया। मैंने कहा था कि आवश्यकता पड़ने पर मैं बीच चंवर में भी उठ खड़ा होऊंगा और तुम्हारी गायों की रक्षा करने के लिए तुरंत आ जाऊंगा। हे सोडी, मैं वचनबद्ध हूँ। वचन की रक्षा के लिए मैंने अपने सिर की बाजी लगा दी है। सोडी ने कहा, बाबूजी महाराज, मैं अपने पिता की फौज भेजकर कल ही खींची को पकड़ मंगाऊंगी। आप यहाँ बैठ मेरे महलों में चौपड़ खेलिए। यह सुन बाबूजी महाराज ने कहा, सोडी, ऐसा करने से मेरे सोरे पर कलंक लगेगा। तुम्हारी फौजों के बल पर मैं अपनी मूँछों पर ताव नहीं लगा सकता। संसार के लोग मेरी निंदा करेंगे, मुझ पर व्यंग्य कसेंगे। बाबूजी स्वयं तो ससुराल में मौज कर रहा है और सोडो के अनुचरों को गायों की रक्षार्थ भेज दिया। लोग कहेंगे बाबूजी महाराज सोडी का साथ नहीं छोड़ सका। इस पर सोडी ने कहा, हे रणबंग के बाबू, यदि ऐसी बात है तो अवश्य गायों की रक्षा के लिए चढ़ो और जाते हुए अपने हाथ का कोई स्मृति चिन्ह देते जाओ मुझे। बाबूजी महाराज ने तब कहा, हे सोडी जी, यदि जिंदा रहे तो तुमसे आ मिलेंगे और यदि मर गए तो ऊंट सवार राय का मेरे शीरो भूषण और मेरी पाग ला देगा। यह कहकर बाबूजी अपने चोगे को ठीक कर चल पड़ा। बाबूजी महाराज की सांस सालियों ने गणपति के चोगे को पकड़कर झूल गई और कहने लगी, हे बाबूजी महाराज, हमारी बच्ची में अवगुण हो तो हमें बताओ, हम अपनी दूसरी लड़की का विवाह तुम्हारे साथ कर दें। इस पर बाबूजी महाराज ने कहा, तुम्हारी लड़की संसार में दूध की भांति उज्ज्वल है। हे सास, अवगुण तो मुझ में हैं, जो मैं देवल को अपना सर बेच आया हूँ। विवाह के चोगे की तनियों को संभाल कर गड़ा दिस बाबू चल पड़ा। बाबू ने चलते समय जुहार किया और कहा कि यदि जिंदा रहे तो अपने रंगीले ससुराल आ पहुँचेंगे। वीरवर डेमा जी और चांदा जी छाया की भांति युद्ध में बाबूजी के साथ थे। वे अपना जौहर दिखा रहे थे, बढ़ चढ़ कर उनकी तलवारें चल रही थी चारों ओर। घमासान युद्ध अपनी चरमावस्था पर था। खींची बाबूजी महाराज के आगे टहर न सका, मुंह लटकाए वह अपने मामा के पास सहायतार्थ भटनेर जा पहुंचा। अपने भांजे को निराश देख मामा ने धैर्य बंधाया और जायल को बैठने के लिए कहा। खींची ने मामा को उकसाते हुए कहा, मेरे बैठने की जाजम तो बाबूजी का डेमा ले गया। जब तक डेमा से प्रतिशोध न ले लूँगा मैं, तब तक बैठना कहाँ। मामा ने अपने भांजे को बाबूजी की सुरक्षित गाय को घेर कर जो अन्याय किया था उसके लिए धिक्कारा। खींची ने इस पर झूठी बातें बतलाकर सारा दोष बाबूजी महाराज पर ही डाला और कहने लगा, डेमा जी ने मेरे संपूर्ण परिवार मौत के घाट उतार दिया है। उसके तीरों के सम्मुख टहरना मुश्किल हो गया, हमारे पाँव उखड़ गए। खींची ने युद्ध की भयंकरता का वर्णन बढ़ चढ़ा कर किया।
यह सब सुन भारी क्रोध से लाल हो गया। डेमा जी को आवश्यक दंड देने का मामा ने संकल्प लिया। अपने सरदारों को युद्ध के लिए एकत्रित कर बीड़ा डाला और ऐलान किया, जो कोई भी वीर डेमा जी को युद्ध में पराजित कर देगा उसे भरे दरबार में पाग पहनाई जाएगी। सभा में सन्नाटा छा गया। तब भाटी राजा ने कहा, क्या मैं ये समझ लूँ कि आज धरा क्षत्रिय वीन हो गई है? क्या भाटियों की नारियां वीर प्रसवीनी नहीं रही? ये सुन ज्ञान सिंह भाटी को जोश आ गया। तुरंत उसने डेमा जी को पकड़ने का बीड़ा उठा लिया। तुरंत युद्ध के नगाड़े बजने लगे। भाटियों की विशाल वाहिनी ने बाबूजी की वीर भूमि में प्रवेश किया। ज्ञान सिंह घोड़े पर सवार हो बाबूजी के मौलों में जा पहुँचा। उचित अभिवादन के पश्चात उसने बाबूजी से कहा, आपने डेमा जी के रूप में सिंह पाल रखा है, आज मैं उसके दंत नक तोड़ कर रहूँगा। डेमा जी इस समय सो रहे थे, इसलिए बाबूजी ने उत्तर दिया कि खींचियों की लड़ाई में तो डेमा जी कभी का काम आ चुका है, यहाँ डेमा जी कहाँ है? इस पर ज्ञान सिंह बोला, बाबूजी झूठ न बोलिए, आप छिपाने की चेष्टा न कीजिए, मैं डेमा को मारे बिना नहीं रहूँगा। बाबूजी ने कहा, हे भाटी सरदार, जरा धीरे धीरे बोल, अन्यथा तू सोए सिंह को जगा देगा। इतना सुनते ही डेमा जी की नींद खुल गई। वह भूखे सिंह की भांति कच्ची नींद में उठ खड़ा हुआ। उसने ज्ञान सिंह भाटी को ललकारा। डेमा की सिंह गर्जना सुनकर भाटी के पांव से धरती खिसक गई। जैसे तैसे छाती कड़ी करके वह लड़ने को तैयार हो गया। मामूली युद्ध में डेमा जी के हाथ से ज्ञान सिंह मारा गया, किंतु ज्ञान सिंह अकेला न था। उसके पीछे चींटियों की नाल की भांति भाटियों की 100,000 फौज आ पहुंची। बाबूजी महाराज ने अपने एक रायका को आदेश दिया कि ऊँटनी पर सवार होकर आप भाटियों की फौज और उनके मोर्चे को तुरंत देख कर आओ और पता लगाओ। रायका ने शत्रु सेना का पूरा विवरण बाबूजी के सामने रखा और कहा कि शायद डेमा भाटियों के सम्मुख टिक नहीं पाएगा। बाबूजी वस्तु स्थिति को समझकर अपने स्थान पर आ गए। चांदा ने डेमा जी को समझाया कि हम पहाड़ की ओट में हो जाएं, क्योंकि खुले में हम भाटियों से जीत नहीं सकेंगे। डेमा का वीरत्व जाग उठा। उसने कहा, आप कैसी भोली भाली बातें कर रहे हैं? यदि ऐसी कायरता दिखाएंगे तो क्या आप अपनी कमलादे जैसी माता का दूध नहीं ले जाओगे? बाबूजी महाराज ने फिर समझाया कि डेमा, यहाँ किसको तो ढाल बनाओगे और कहाँ मोर्चा लोगे? डेमा ने विश्वास से कहा, छाती की ढाल और मूँछों के मोर्चे बनाकर युद्ध में अमर हो जाएंगे। फिर क्या था, घमासान युद्ध छिड़ गया। बाबूजी महाराज की तलवारें झेलने वाला कोई नहीं था उस समय। उनकी घोड़ी ने युद्ध स्थल में रणचंडी की तरह प्रलय मचा दिया। खून की नदियां बह गई। भैरव और जोगनियां मृतकों पर नाचने लगी। बाबूजी चांदा और डेमा जी ने शत्रुओं की असंख्य सेना को धराशायी कर दिया और अंत में स्वयं भी शहीद हो गए। बाबूजी महाराज के लिए स्वर्ग से विमान आया। चांदा डेमा जी के लिए भी पालकियां स्वर्ग से आई। तलवार की जीत जायल खींची की हुई और यश की जीत हुई बाबूजी महाराज की। तलवार से जीतने वालों के तो धरती पर केवल निवास स्थान बनते हैं, किंतु यश विजेताओं की पूजा देवताओं की तरह होती है, उनकी पाषाणमयी प्रतिमाएं बनेंगी। राठौड़ों का पूरा खानदान ही इस युद्ध में काम आया। बड़े भाई बूढ़ो जी भी इस युद्ध में शहीद हो गए। बाबूजी के शिरोभूषण तथा अन्य छिन्न लेकर दूत रायका जी सोडी जी के पास जा पहुंचे। सोडी जी पहले ही अशुभ से डरी हुई थी। उसे भयानक स्वप्न पाया था जिसमें उसने अपने आप को विधवा वेशभूषा में देखा था। बाबूजी महाराज की मृत्यु का समाचार उसने छाती पर वन रख कर सुना और वीर पत्नी की भांति बाबूजी के शव को गोद में लेकर वह आग में बैठ गई। बूढ़ो जी की पत्नी के गर्भ में एक बालक पल रहा था, इसलिए सती होने से पहले पेट चीर कर बालक को बाहर निकाला गया। वही बालक आगे चलकर रूपनाथ जी महाराज कहलाया, जिसने भाटी का सिर काट कर अपने पिता और काका का वेर शोधन किया। बाबू खातर पाया छह बेदरगा हूँ बीवारण, कोई चांदे डामे खातर प्राई अरमा पर हूँ पाल की। जसड़े तो जीत्यो है रे वो कोलम को दरबार, कोई खांडे तो जीत्यो है रे वो खींची जायल जिनको। खांडे जीत ऋणिया का बस सी धरती ऊपर बांस, कोई जस जीतने यारी तो होशी बड़ा में बाया देवली। जय बाबूजी महाराज की जय हो। दोस्तों, आपको संपूर्ण बाबूजी महाराज की ये कथा कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ हर जगह शेयर ज़रूर करें और उनको भी सुनने के लिए कहे। बाबूजी महाराज की इस कथा को जो कोई भी सुनेगा उसके अच्छे कार्य होते जाएंगे। दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय बाबूजी महाराज।